हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू ड्राइंग एंड द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑन टाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइंग एंड द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन। इस तरह के डिजाइंस हम नॉर्मली टाइल्स वगैरह पर ज्यादा देखते हैं, तो वो ड्राइंग जो है हम किस तरह से ये टाइल्स का जो है वो डिजाइन ये बनाई हुई है वो हम सीखेंगे आज, विच इज़ ऑन पेज नंबर 32। सो स्टेप वाइज यहाँ पे सब दिया हुआ है कि किस तरह से बनाना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप वन में सिंपल यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर बॉक्स बनाना है, जिसका मेजरमेंट आपको 16 सेंटीमीटर लेना है। फोर साइड्स एकदम सेम होना चाहिए, है ना, 16 सेंटीमीटर का करके, और फिर 16 सेंटीमीटर की जो हमने लाइन्स फोर बनाई हुई है स्क्वायर बॉक्स, उसका हाफ हाफ दैट मीन्स कि 8 सेंटीमीटर पर हम मार्क कर लेंगे, और फिर उसको प्लस बनाते हुए हम उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर फोर स्मॉल स्क्वायर बॉक्स हमें मिल जाएंगे। वो प्लस बनाने के बाद दो लाइंस हमें वहां पे ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है, जिसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट जो है स्क्वायर बॉक्स मिला है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर मार्क करके, और फिर वहां पर मैंने यहाँ पे फोर बॉक्सेस जो है वो मुझे मिल गए हैं। अब आगे का हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से करना है। फिर 8 सेंटीमीटर हमने मार्क किया, उसके बाद उसका आता है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट लेकर के राउंडर से, और फिर हम वहां पे सर्कल जो है वो बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहां पे सर्कल बनेगा। ओके, सो अभी ये फर्स्ट सर्कल हमने 4 सेंटीमीटर का लेके बना लिया। सेम वैसे ही चारों स्क्वायर बॉक्स के बीचों बीच जो है हम इस तरह से ही ये स्क्वायर सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं से भी जो है लाइन थोड़ी सी भी अगर टेढ़ी हुई ना तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा। या तो सर्कल कहीं बाहर चला जाएगा या अंदर से कट करेगा, तो ये दिक्कतें आएंगी। सो वहां पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि आपको मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर लेकर के और स्क्वायर बॉक्स एकदम स्ट्रेट बनाना है। ये देखिए, ये हमारा हो गया। और अब जो हमने ये सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का लेके, वहां से टू कॉर्नर्स वो हम उनको मैच कर देंगे एकदम मिड जो कॉर्नर है वहां पे लेके, और जो सर्कल का जो सेंटर पोर्शन है उसको हम एक लाइन फॉर्म कर देंगे वहां पे। चारों साइड यही हम करेंगे। ये देखिए,
ओके एंड नाउ हमने जो ये 4 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया है, अब हम 1 सेंटीमीटर जो है उसमें हम कम कर देंगे। दैट मीन्स कि 4 के बजाय हम यहाँ पे अभी ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो कम करके और यहाँ पर हम एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं, और ये जो हम सेकेंड सर्कल बना रहे हैं वो सेकेंड वाला सर्कल एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। फर्स्ट वाला एक दूसरे को कट कर रहा है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, बट सेकेंड वाला कट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टच होगा एक दूसरे के साथ। ओके सो ये सेकेंड सर्कल भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, एंड नाउ हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं स्टेप 4 में यहाँ तक सेकेंड जो स्टेप है वो हमारा फिनिश हो गया है। अभी स्टेप 4 पे हम आ जाते हैं। स्टेप 4 में हमको क्या करना है कि ये आप देख रहे हो जैसे कि हमने ये कॉर्नर टू ये मिड जो हम सर्कल हमने ये 4 सर्कल बनाया था स्क्वायर बॉक्स में उसके मिड पे हमने एक लाइन दी थी, तो अभी हमने 2 सर्कल्स फिनिश कर लिया है एंड नाउ हम थर्ड वाला जो सर्कल है वो कंप्लीट करेंगे। ओके तो इतना खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो आप थर्ड सर्कल बना रहे हो वो दोनों जो बड़े वाले सर्कल है उसके एग्जैक्टली बीचों बीच आना चाहिए, लाइक वो उनको कट नहीं करना चाहिए। अगर उसने उनको कट करा तो वो ड्राइंग आपकी पूरी बिगड़ सकती है, तो खाली वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और ड्राइंग बनाते टाइम पे पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है वरना मिटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ओके सो यहाँ पे हम अंदाज़ा ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, बस हमें एक बार देख लेना है। ये मैंने यहाँ पे सेंटर का ही हम यूज़ करके जो है हम ये तीनों सर्कल यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो हम छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि हमको जो सर्कल अभी बनाना है वो कट नहीं करना चाहिए, वो खाली हमको ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से इसके बीचों बीच जो है हम ये सर्कल बना रहे हैं। ओके एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हमने ले लिया अंदाजे से ही। यहाँ पर भी देखिए एक लोगे तो आपका चारों ऑलमोस्ट फिट हो जाएगा इसके बीचों बीच। ये मैंने यहाँ रखा और ये ओके नाउ लास्ट वन। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट ना लेके अंदाजे से भी अगर आप करते हैं अंदर वाले दोनों सर्कल्स को तो भी हो सकता है, अगर मेजरमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है तो आप वो भी ले सकते हो। ओके सो ये हमारा यहाँ पे तीनों सर्कल जो है वो बनके तैयार हैं। एंड नाउ अब हमको क्या करना है कि ये जो लाइंस हैं वो हमें हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे इसका ये पॉइंट जो स्मॉल सर्कल जो हमने बनाया है उसका ऊपर का पोर्शन हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, और उसको लेके हमें क्या करना है कि कॉर्नर पे मैच करना है। ये देखिए ये कॉर्नर के साथ में इसको इस तरह से
सो ये हमारा हो गया इतना। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमें अभी रब करना है, किस तरह से और कितना। ये थोड़ा लाइट हो गया आउटर सर्कल, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। वैसे भी ये सर्कल हमें अभी लेना ही सिर्फ इतना है, इस पोर्शन से लेकर के इतना। ओके सो अब हम करेंगे यहाँ पे रब करना है क्या क्या वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आप बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो, अब हम इसको फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करके अब जहाँ जहाँ पर हमको जो जो चीज़ें रब करनी है, मिटानी है, वो मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो ये आउटर सर्कल, सबसे पहले जो हम फर्स्ट वाला सर्कल है, सबसे पहले तो ये लाइन जो हमने बनाई थी ये हमको नहीं चाहिए, इसकी जो है अभी हमको नीड नहीं है यहाँ पे, तो ये लाइन हम मिटा देंगे। इसीलिए हमने ये लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट बनाई थी ताकि वो आसानी से हम इसको जो है यहाँ से हटा सकें। ये देखिए बहुत ही इजीली हम इसको रब कर सकेंगे अगर आप लाइट बनाओगे तो। ओके सो ये हो गया, लाइन गई। अब आउटर सर्कल ये देखिए, बड़ा वाला सर्कल जो है उसका खाली लाइक एक फ्लावर बन रहा है। किस तरह का? ये ऐसा, दूसरी साइड से ये और ये, दैट्स इट। तो हमको इतना इतना पोर्शन बस रहने देना है और बाकी का हम जो है वो मिटा देंगे इस तरह से। ये बड़े वाले सर्कल को खाली मिटाएंगे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये होगा। और बीच का पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ओके ये देखिए, ओके सो ये बड़ा वाला सर्कल हमारा ऑलमोस्ट गया। ओके एंड नाउ ये जो सेकेंड वाला सर्कल है वो पूरा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ से ये सर्कल ऐसा ही रह रहा है ये वाला, लेकिन जो ये छोटा वाला सर्कल है इसका खाली हाफ ही हमको, इतने से इतना ही हमको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम ये जो बीच में ये लाइन आ रही है ये सर्कल के लिए, वो हम मिटा देंगे। ये देखिए दैट्स इट, तो ये हमने इतना मिटा दिया। और अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस पॉइंट पे हम एक एक लाइन फॉर्म कर लेंगे यहां से। ओके सो ये हमारा हो गया, जो मिटाना था हमने वो भी मिटा लिया है। और अब ये सेंटर में हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है हम छोटा बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। ओके और ये सेंटर पर रख के यहाँ पर एक हम सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। ओके एंड आप इसमें आप अपनी खुद की चॉइस का आप यहाँ पे कलर्स कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इन टाइल्स। इस तरह से जो है हमको ये पूरी ड्राइंग को फिनिश करना है। ओके
आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड बी क्रिएटिव. थैंक यू.